ओके okay, नमस्कार स्वागत है आप सभी छात्रों का एक बार फिर से इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं संझ्या के हो चुके हैं छः बज चुके हैं शामकालीन हमारी क्लास चलती है वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अमित दिलीप रेहान विहान तनिष्क स्वागत है भाई आप सबका मोस्ट वेलकम राजेश यादव सुमित स्वागत है अंशु कुमारी जी आपका भी वेरी गुड इवनिंग जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए कल हमने जबरदस्त पचास प्रश्नों को देखा और भाई साहब प्रयागराज में बहुत भीषण गर्मी चल रही है 12 फोर्टी फाइव डिग्री के ऊपर है जबरदस्त गर्मी का प्रकोप है आप लोग भी बच कर रहे गर्मी से क्योंकि गर्मी चलिए स्वागत है स्वागत है आप सभी छात्रों का वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप सब और प्रणाम प्रणाम स्वागत है आप सबके लिए क्लास की शुरुआत में स्टार्टिंग में एक इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है अन आप सभी जानते हो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप घर बैठे यू पी पी सी एस की कंप्लीट तैयारी साथ साथ यूपी डी प्लस यूपी पुलिस आरोग्य आरोग्य आने वाली जो भर्तियाँ हैं एक ही फीस में आपने अगर एक बार यू पी पी सी एस का कोई बैच लिया है यानी एक बार आपने एक्टिवेशन ले लिया है तो जितने भी आने वाली साल भर का जब तक आपका वैलिडेशन है आप सारी क्लासेस को देख सकते हो ठीक है तो ऐसा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जिसके लिए आपको अनकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और इसमें आप लोगों के लिए स्टोर पर भी कोर्सेज अवेलेबल है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम का भी बैच यहाँ पर चल रहा है फाइव सिक्स नाइन में ओनली और साथ ही साथ यूपी पी का रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है आप सभी के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जी एस का भी बैच चल रहा है जी पेपर थर्ड का हो गया और बैच फॉर यू पी पी सी एस मेन्स जी एस पेपर सेकेंड का तो यू पी पी सी एस मेन्स के भी क्लासेस आपको मिल रही हैं मोस्ट वेलकम में स्वागत है चलिए आवाज़ आप लोग तक सही आ रही है इतनी गर्मी है पढ़ाई भी नहीं हो पा रही क्या करें भाई देखो हम भी पसीने पसीने हैं है ना गर्मी बहुत है भैया पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत मुश्किल टास्क होता है है ना तो सारी चीज़ें हैं आपको हमारा एप्लीकेशन जो अन का ऐप है डाउनलोड करना है जिसमें कि फ्री क्लासेस भी हैं बहुत सारी फ्री क्लासेस हैं आप उनको देख सकते हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और हमको फॉलो कर लीजिए जहां पर हमारी भी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी और ये जो रेफरल कोड है सक्सेस मंत्रा इसका प्रयोग करके आप फ्री क्लासेस को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर आप पेड बैच लेना चाहते हैं तो टेन का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा चलिए स्वागत है तैयार हैं आप सब कल मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसके आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं आज पहला क्वेश्चन आप सभी छात्रों के सामने है दोस्त देखिए यहाँ पर देखिए वाक्य संबंधी अशुद्धि और वर्तनीय शुद्धि दोनों से आपसे प्रश्न पूछेगा तो ये क्या है ये वाक्य संबंधी अशुद्धि है वाक्य संबंधी ठीक है अब देखिए इसमें जो पहला प्रश्न क्या कह रहा है पहला प्रश्न जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का प्रश्न को पढ़ें और इसको समझिए सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है कौन सा वाक्य सबसे शुद्ध है देखिए अभी बंद है हाँ भाई अमित जी आपके कमेंट को देखा जा रहा है कुछ तो मजबूरियाँ होंगी कि क्लासेस नहीं हो रही हैं ठीक है आप समझ सकते हैं कि पिछले दो साल से आपको पढ़ाया गया और इधर अंतिम में आकर क्लास आपको रिकॉर्डेड मिल रही है तो कुछ तो मजबूरियाँ होंगी समझिए क्यों नहीं क्लास चल पा रही है ठीक है तो फिलहाल सारे सब्जेक्ट्स को देखिए और आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी टॉपिक सारी मिल रही है आपको ठीक है देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है इस प्रश्न का जवाब दीजिए उन्नीस का आप लोग कह रहे हो देखो बिल्कुल जो अपराधी है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए निरअपराध जो है निरपराध जो है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए यहाँ पर क्या हो रहा है अपराधी जिसने अपराध किया है जिसने कानून को तोड़ा है नियम विरुद्ध कार्य किया है उसको सजा मिलनी चाहिए ठीक है ये वाला तर्क संगत रूप से सही हो जाएगा आपका ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड देखते हैं। श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य संबंधी अशुद्धि है क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहां पर देखिए श्याम जल से पौधे सींच रहा है इसमें आपको वा, वाक्य संबंधी अशुद्धि क्या दिखाई दे रही है कमेंट करिए देखिए श्याम है पौधा सींच रहा है यहां पर जो जल है ये अनावश्यक लिखा हुआ है दोस्तों अगर हम कहें मैं मैं पौधे को सींच रहा हूं तो पौधे को सींचना मतलब जल से ही तात्पर्य सींचना ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा श्याम पौधों को सींच रहा है श्याम पौधे सींच रहा है जल जो लगा है अनावश्यक लगा हुआ है इसी प्रकार से एक और सेंटेंस पूछा जाता है वे वे वापस वापस लौट आए भाई वे वापस... आ, कहते ना मैं वापस लौट आया वापस लौट आए अब वापस का मतलब ही होता ना बैक और इसका मतलब भी बैक होता है तो दोनों शब्द एक साथ नहीं प्रयोग होंगे वे वापस आए या वे लौट आए आप ऐसा कहोगे ठीक है यहां पर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए इसमें से देखिए कोई एक गलत है क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है तीसरा प्रश्न देखिए इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है उसका आपको चयन करना है ठीक है बिल्कुल देखिए इसमें से एक अशुद्ध है वह बचपन से नटखट है कोई अशुद्धि नहीं है उसमें बचपना है यह भी सही है तुम बचपन से सीधे हो बचपन से नटखट हो उसमें बचपन है बचपन नहीं बचपना एक भाव है ना बचपना लड़कपन बुढ़ापा है ना तो ये आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा उसमें बचपना होता तो ठीक लिखा होता उसमें बचपन है ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर गलत हो जाएगा ठीक है भाई कल वाली क्लास आप लोगों ने ना देखी हो तो बिल्कुल देखिए कल पचास क्वेश्चन जो मैंने कराए थे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें से वाक्य शुद्ध नहीं है एक वाक्य गलत है ठीक है अब यहाँ पर देखेंगे उसने केवल मुझे निमंत्रित किया उसने केवल मुझे है ना और किसी को नहीं तो देखा जाए तो ये सही बैठेगा सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए ठीक है भाई करना चाहिए आपने उसे टका सा जवाब दिया यहां पर देखो शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़ा पैर नहीं शिष्य गुरु जी के पैरों में ठीक है उसने ओनली मी केवल मुझे मुझे होगा कि केवल होगा अब यहां थोड़ा सा देखो क्या होगा ठीक है उसने केवल मुझे तो ये वाक्य देखोगे सही होगा यहां पर लेकिन आप देख रहे हो शिष्य गुरु जी की पैर में गिर पड़े नहीं शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़े है ना पैरों पैरों होता है पैर नहीं होता पैरों इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला गलत आपको दिखेगा है ना कहेंगे यार केवल आपको बुलाया जा रहा है किसी और को नहीं बुलाया जा रहा है तो वही कह रहा है कि श्याम ने केवल मुझे ही बुलाया है किसी अन्य को नहीं बुलाया है तो इस तरीके से सेंटेंस देखोगे सही है लेकिन शिष्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े यहाँ पड़े पड़े लिखा हुआ है और यहाँ पैर है पैर है तो भाई पैरो होगा ना ये आप देखो सेंटेंस को देखो ध्यान से पढ़े ठीक है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर यानी कि ये वाक्य शुद्ध नहीं है इसीलिए इसका यही जवाब सही बनेगा चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए पांचवा बहुत अच्छा प्रश्न है इस इसका जवाब दीजिए सोचिए देखिए प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है एक वाक अशुद्ध है है ना एक वाक अशुद्ध है ठीक है देखिए उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी राम सीता और लक्ष्मण वन गए वन को गए उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। ठीक है एक अशुद्ध है कौन सा है थोड़ा सा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट हमें भी लग रहा है, है ना ठीक है अब देखिए यहां पर लिखा है राम सीता और लक्ष्मण वन को गए राम सीता और लक्ष्मण जंगल गए तो यहां पर आप देखोगे को तो अनावश्यक मेरे ख्याल से यहां पर लगा हुआ है वन गए यहां पर लिखा होना चाहिए राम सीता और लक्ष्मण घर गए वन गए है ना अगर आपसे कोई कहे कि आप अपने घर को गए थोड़ा सा यहां पर यह लग रहा है और एक चीज और देखो उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी प्राण और उसने अपने प्राणों की बाजी थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ लग रहा है मिस्टेक है ना अगर आप पढ़ेंगे है ना बिल्कुल देखो प्राण दर्शन उसके प्राण पखेरु उड़ गए उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों ही आपका अशुद्ध लग रहा है ठीक है इस प्रश्न में गलती है उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी ठीक है राम सीता और लक्ष्मण वन गए ठीक है उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े ये सही है उसकी आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं ये भी सही है ये दोनों गलत लग रहा है भाई ये क्या है ये दोनों अशुद्ध लग रहा है ना डी भी गलत हो सकता है आलोक शुक्ला अच्छा भाई आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं नहीं सेंटेंस तो सही लग रहा है परिचित है लेकिन ये दोनों तो गलत है भाई उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी राम सीता और लक्ष्मण बन गए ये ध्यान रखना ए और बी यहाँ पर ए और बी ठीक है इस प्रश्न में त्रुटि है छठा प्रश्न देखिए इसमें से बताइए कौन सा अशुद्ध है अशुद्ध वर्तनी बताना है महत्व पैतृक ठीक है महत्व पैतृक हाँ ए और बी बोथ दोनों गलत था भाई उसमें उस वाले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फाइव में इसमें से वर्तनी का शब्द बताएंगे है ना आपकी महत्ता से सभी भली भांति परिचित हैं देखो अच्छा इसमें ना इसका देखो इसका जैसे ये है क्वेश्चन में त्रुटि लग रहा है आपकी महत्ता से सभी परिचित हैं कहते हैं सभी लोग सभी आ जाइए तो कुछ लेकिन यहाँ पर ये वाला भी थोड़ा सा चलिए ठीक है इसको देखिए हालांकि त्रुटि है प्रश्न में ही यहाँ पर देखिए महत्व तो सही लिखा है पैतृक होता है ये आपकी पैतृक संपत्ति है वाल्मीकि भी सही है सन्यासी में एक यहां पर अनुस्व यहाँ पर आप देख सकते हो ये होना चाहिए ठीक है तो ये सन्यासी, सन्यासी, यह यहाँ पर आपका डी वाला ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से इसका ये सही जवाब होगा ठीक है चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है तो भाई वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ यानी कि वह इन सब तथ्यों से इसको पता नहीं है उसको कुछ पता नहीं वह अनभिज्ञ है वह इससे परिचित नहीं है है ना तो अनभिज्ञ आप देखोगे कैसे लगा जाता है अनभिज्ञ है ना आपको पता नहीं है क्या आप इससे अनभिज्ञ हैं इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ठीक है ये वाला गलत है चलिए देखिये यहां पर क्या होगा भिज्ञ का अनभिज्ञ होता है विलोम शब्द भी होता है क्वेश्चन नंबर एट की ओर देखिए आप देखो भाई आठवा है यह कह रहा परिणति परिणति होता है कि परिणति होता है परिणति इसको बताएंगे परिणति इसके परिणति ठीक है परिणति परिणति होता है बिल्कुल यहां पर आप देखोगे तो ये वाला आपका सही है परिणति परिणति शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो इसकी वर्तनी शुद्ध है यह गलत लिखा है ठीक है परिणति नहीं परिणति ठीक है ये भी गलत है और यह भी गलत है आपका परिणति परिणति इज द राइट आंसर ठीक है ठीक है ऑप्शन ए करेक्ट होगा देखिए इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में डाउट में रहते हैं वर्तनीय शुद्धि हो गया चाहे आपका वाक्य शुद्धि हो गया ठीक है परिणति इसके परिणत स्वरूप है ना तो आपका यहाँ पर होगा परिणाम स्वरूप क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए इस प्रश्न में कह रहा है ज्येष्ठ ज्येष्ठ किसे कहते हैं जो बड़ा हो है ना ज्येष्ठ क्या होता है जो बड़ा होता है क्योंकि ये हमारे ज्येष्ठ हैं ज्येष्ठ ठीक अब देखिए ज्येष्ठ ज्येष्ठ तो एक तो गांव में लोग बोलते हैं बोलने के स्वरूप में जेठ बोलते हैं ये जेठ जी हैं हमारे है ना जेठ जी हैं लेकिन जो ज्येष्ठ होता है ज्येष्ठ आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा ठीक है ना ये ज्येष्ठ सही है और ना ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा ठीक है ज्येष्ठ डी इज द राइट आंसर वेरी गुड प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे तरीके से क्लासेस आपको दी जा रही हैं जो लाइव क्लास नहीं हो पा रही वो आपको रिकॉर्डेड दी जा रही भाई तो रिकॉर्डेड लाइव में कोई अंतर नहीं होता आपको कॉन्सेप्ट समझना है कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए चाहे वो लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड देखिए एक होता है वादी जिस वाद दायर करता है और एक होता है उसका बचाव करने वाला प्रतिवादी है ना तो मुकदमा जिसके ऊपर दायर होता है और उसका प्रतिवादी प्रतिवादी ठीक है वादी और प्रतिवादी तो प्रतिवादी आप देखोगे यहां पर क्या हो जाएगा यह वाला आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वादी और प्रतिवादी ठीक है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है अधिवेशन को हम शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे अब ये देखिए पूछा गया प्रश्न है वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन ये अधिवेशन गलत लिखा है अधिवेशन का आपको शुद्ध रूप इसमें से छांटना है शुद्ध रूप छांटना है अब कौन सा अधिवेशन होगा चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्त ये जो प्रश्न नंबर ग्यारह है अधिवेशन कौन सा सही होगा ऑप्शन सी होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर अधिवेशन इज द राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा अधिवेशन ठीक है अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है लेकिन ये श में मात्रा नहीं है है ना अधिवेशन कहा जाएगा इसको अधिवेशन बोला जाएगा अधिवेशन नहीं बोला जाएगा आपको एग्जाम में ध्यान भी रखना है ठीक है एग्जाम में ध्यान में रखना है कि कैसे मात्रा दी गई है ठीक है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा चलिए वेरी गुड तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा डेली शाम को छः बजे हमारी आपसे मुलाकात होती है और बिल्कुल आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए बारहवा प्रश्न क्या कह रहा है अंतर ध्यान होता है या अंतर धान होता है इसमें से अंतर ध्यान आप कैसे सही लिखेंगे आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में ठीक है कमेंट करके बताना दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए चलिए फटाफट -फड़ कमेंट करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा बिल्कुल दोस्त ये ध्यान रखना ये अंतर धान होता है है ना पढ़ने में तो हम लिख देते हैं अंतर ध्यान ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है अंतर्धान ठीक है क्या होता है अंतर धान होता है यहाँ पर ठीक है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन की ओर बढ़ते हैं यह प्रश्न कह रहा है प्राकथन तेरहवा प्रश्न है प्राकथन कल जैसे कि अनुक्रम आया था है ना अनुक्रम और आज है अनुक्रम इस तरीके से होता है और आप जब प्राकथन लिखते हैं दोस्त तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं इसको शुद्ध रूप से हम लिखते हैं ठीक है प्राकथन को आप कैसे लिखोगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ठीक है प्राकथन होता है वक्तन नहीं होता ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब देखिए इसमें से एक शब्द शुद्ध है है ना 14वां प्रश्न है एक शब्द शुद्ध है बाकी तीन क्या हैं कौन सा शब्द शुद्ध है गलत है तीन गलत है सोच के बताइएगा बहुत अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है अनधिकार है मैथिली है वाहनी है कब इत्री है कौन सा शब्द शुद्ध है बहुत ही उम्दा प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है शुद्ध शब्द पूछ रहा है भाई चलिए जवाब आने शुरू हो गए हैं ये वाला कल मैंने पढ़ाया था कि अनधिकार कैसे आप सही लिखते हैं तो भाई अन अधिकार बिल्कुल सही लिखा है आप अनाधिकार गलत लिखते हैं क्या लिखते हैं ये आप जब लिखोगे अनाधिकार ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है अन अधिकार होता है अब देखिए अन्य में क्या गलती है मैथिली होता है मैथिली है ना वाहवाहिनी है ना वाहनी और कवित्री में यहाँ पर मात्रा नहीं होता आप कवित्री को आप ऐसे लिखते हैं कवित्री कवित्री मात्रा जो होगी यह पर होती है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा हाँ ठीक है बिल्कुल कराई जाएगी भाई जीके के प्रैक्टिस परेशान स्टैटिक चल ही रहा है साइंस भी कराया जा रहा है बीच बीच में उसको भी हिस्ट्री जोग्राफी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा परेशाना हो बिल्कुल आपको सेलेक्टेड मैटर मिलेगा ठीक है चलिए इसका प्रश्न का जवाब दीजिए घनिष्ठ होता है कि घनिष्ठ होता है है ना कितने की कि ये हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं फास्ट फ्रेंड है क्या होगा भाई कमेंट करके बताइए घनिष्ठ घनिष्ठ ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है बी इज द राइट आंसर बिल्कुल यहां पर घनिष्ठ होता है ये टा नहीं होता अक्सर हम लोग इसमें गलती कर जाते हैं या ये लगाते हैं या, या लगाते हैं घनिष्ठ होता है क्या होता है घनिष्ठ इज द राइट आंसर चलिए वेरी गुड क्वेश्चन नंबर देखिए कौतूहल आप कैसे सही लिखोगे ये बार बार पूछा गया प्रश्न है आयोग के द्वारा और ऐसे प्रश्न जो आयोग पूछता है आप जरूर प्रैक्टिस करिए क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं खास तौर से अगर आप वीडियो एग्जाम दे ही रहे हो या आरो प्रश्न दोगे आप जब पेपर दोगे तो जो साठ प्रश्न आते हैं द्वितीय पेपर हिंदी में वो बार बार के दस से पंद्रह साल के आप लगा लोगे दस साल के तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए क्या रहा है कौतूहल तो कौतूहल में आपका बी करेक्ट है इसकी वर्तनी शुद्ध है बाकी वर्तनी यहाँ पर गलत है ठीक है भाई कौतूहल जी हाँ सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं सोलहवा का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा चलते दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ बहुत ही अच्छा प्रश्न है इस प्रश्न का जवाब दीजिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है सत्रहवा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है देखिए इसमें कह रहा है शुद्ध वर्तनी बताना है अब एक की वर्तनी क्या है, है. बहुत अच्छा प्रश्न है पढ़िए बहुत अच्छा प्रश्न है ऑप्शन नंबर क्या होगा सत्रहवे का राइट आंसर बताएंगे सत्रहवा सर्वोत्तम है सांसारिक है ठीक है सर्वोत्तम है सांसारिक है कौन सा यहाँ पर सही है ठीक है देखिए सच्चिदानंद इज द राइट right आंसर सच्चिदानंद इज द राइट right आंसर सच्चिदानंद सही लिखा गया है अब आप देख रहे हो ये सर्वोत्तम लिखा हुआ है यहाँ पर आधा ता मिसिंग है ये सर्वोत्तम हो जाएगा ये सांसारिक होता है और ये कीर्ति होता है है ना कीर्ति कीर्ति नहीं कीर्ति होता है छोटी वाली तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अठारवा प्रश्न देखिए शुद्ध वर्तनी बताएंगे अब देखिए इसमें से आप देख रहे हो कि कौन सा शुद्ध है अनुग्रहित होता है या अनुग्रहित होता है ये कल मैंने बताया था देखो अनुग्रहित है ना श्रिष्टा नहीं होता यहाँ पे आहार होता है जबकि आप देखोगे रचयिता रचना करने वाले को रचयिता बोला जाता है और रचयिता सही है अक्सर एग्जाम में आपको इस तरीके से मिलता है भाई कौन सा रचयिता सही है है ना तो ये वाला बिल्कुल और बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल कीर्ति है ना कीर्ति आप जैसे कह रहे हो में छोटी की मात्रा होगी है ना कीर्ति कीर्ति पता का होता नहीं है चलिए क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है इस प्रश्न का जवाब क्या होगा सभी एक सेक्शन से है कल हम पढ़ेंगे मुहावरे कल हम पढ़ेंगे मुहावरे मुहावरों को पढ़ेंगे ठीक है मुहावरे पढ़ेंगे तैयार रहिएगा और ऐसे मुहावरे जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं देखिए अधेता होता है या अधियेता होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 है 19 का सही जवाब होगा दोष तो अधेता होता है है ना अधियेता नहीं होता 19 होता है ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं बीसवा प्रश्न है अतिशयोक्ति देखिए अतिश्योक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना और एक होता है अतिशोक्ति अलंकार होता है अतिशोक्ति अलंकार आपने पढ़ा होगा उसका कथन अतिशयोक्ति मात्र था यानी कि वह बहुत बढ़ा चढ़ा कर वह कह रहा था अतिशयोक्ति मात्र है अब देखिए अतिशयोक्ति आप लिखोगे कैसे सही इसका शुद्ध रूप पूछ रहा है बड़ा कंफ्यूजन होता लग रहा है कि ये तो सही लिखा है कहाँ गलती है ठीक है लेकिन ध्यान रखिएगा अतिशयोक्ति ये साम्य मात्रा होगी ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर डी इज द राइट आंसर समय यही रहेगा भाई देखिए हमारी जो क्लास है इस प्लेटफॉर्म पर अन अकेडमी यू पी एस, एग्जाम में हमारी जो क्लास है सिक्स पी पर डेली होती है जिसमें कि अभी हम आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं और इसके बाद थोड़े टॉपिक कवर करने के बाद जीएस के सेक्शन पर भी चलेंगे ठीक है तो अतिशोक्त इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ठीक है जो भी नए छात्र हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे छः बजे यहाँ पर हमारी लाइव क्लास होती है और अनकेडमी के एप्लीकेशन पर हमारी फ्री क्लासेस भी हैं जहाँ पर आपको पी भी मिल जाती है आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारा ऐप लिंक दिया गया है प्रोफाइल लिंक देखिए प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल है ना आप देखिए मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल यानी कि जो कैबिनेट है उसको हिंदी में कैसे शुद्ध लिखेंगे ये अशुद्ध है ये क्या है ये अशुद्ध है प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यक्षता की अब आप मंत्रिमंडल को कैसे सही लिखेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो एग्जाम में आपके गलती होने के चांसेस न के बराबर होते हैं ठीक है नीरज यादव बिल्कुल मंत्रिमंडल चार प्रकार से लिखे गए हैं अब मंत्रिमंडल का कौन सा स्वरूप आपका सही है मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल बिल्कुल राजभवन वेरी गुड राजभवन सही जवाब है आपका देखिए काफी कंफ्यूजन होता है मंत्रिमंडल होता है भाई पेट में पचहत्तर नंबर है सैनी जी बिहान सैनी थोड़ा सा डगर मुश्किल लग रही है अस्सी के ऊपर ही मेरे ख्याल से शॉर्ट आउट किए जाएंगे मंत्रिमंडल है ना क्योंकि चौदह सौ अड़सठ समथिंग पोस्ट ना इतने चौदह सौ शायद अड़सठ ही आवेदन करने वाले लाखों की संख्या में हैं शॉर्ट आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो पचहत्तर और अस्सी के ऊपर अस्सी और इसके ऊपर तो रहता चांद काफ़ी मुश्किल लग रहा है भाई चलिए फिलहाल पढ़ते रहिए ये देखिए बाईसवा प्रश्न है अब देखिए इसमें एक की वर्तनी अशुद्ध है हम अष्ट अष्ट यानी कि आठ होता है ना अष्ट संस्कृत में लिखते हैं ठीक है अन अकेडमी का लिंक हमारा देखिए आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे एक डिस्कशन बॉक्स खुलेगा जिसमें कि हमारा प्रोफाइल भी दिया गया है सारे कोर्सेस भी दिए गए हैं ठीक है थीके? हमारा कूपन कोड भी है दीपक राय लिखा हुआ है, आप वीडियो के टाइटल क्लिक पर क्लिक करिए बॉक्स खुलेगा मोर पर जाइए और सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी देखिए इसका जवाब दो दोस्त इसका जवाब क्या होगा है ना अष्ट 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 होता है कि अष्ट होता देखिए बड़ी मुश्किल होती है इस प्रकार के प्रश्नों में देखो अष्ट अष्ट छाप के कवि आपने पढ़ा होगा अष्ट छाप के कवि तो अष्ट अष्टमी अष्टमी होता है अष्टमी नहीं होता है है ना जन्माष्टमी होता है अष्टमी होता है तो ये आपका अष्ट करेक्ट होगा ये ध्यान रखना इसको मत लगा के आइएगा ठीक है मिष्ठान होता है कि मिष्ठान होता है एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है बताइए ये, ये सही है मिष्ठान सही है या ठीक मिस्ट, है ये सही है देखो मिस्ट का मतलब होता है मीठा और मीठा अन्न यानी कि मिष्ठान ये सही होता है ये अक्सर दुकानों की में बोर्ड पर लिखा होता है मिस्ट मिष्ठान ये गलत लिखा होता है ठीक है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों तेसरा प्रश्न देखिए शुद्ध शब्द चुनिए यह भी प्रश्न पूछा गया शायद वीडियो वाले एग्जाम में पूछा गया था क्या देखिए इसमें क्या हो रहा है इसमें जो ये चिन्ह लगा हुआ है सामासिक चिन्ह ठीक है अब शुद्ध शब्द है गंगा जल गंगा जल को हम एक साथ लिखते हैं ना गंगा जल है ये गंगा जल है ठीक है ठीक है ये बे बेबुनियाद है बेबुनियाद एक साथ लिखते हैं चौपाया एक साथ लिखते हैं जबकि बड़ा सा छोटा सा बड़ा सा तो ये हाइफन जो लगा हुआ है यही आपका शुद्ध है बाकी सब में अशुद्ध लिखा है भैया देखो पेट को यूपी टेट की तरह हम तो शुरू से चिल्लाते आए हैं जब से ये पेट लागू हुआ इसका नियम हमें भी नहीं पल्ले पड़ रहा है कि आपने परसेंटाइल बना दिया एक्चुअल मार्क्स ले रहे हैं नाइनटी नाइन परसेंटाइल नाइनटी परसेंटाइल वाला बच्चा बैठ नहीं पा रहा है क्या मतलब है एक कॉमन कट ऑफ करिए या तो प्री मेन्स कर दीजिए ये तो केवल अपने जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने के लिए है कि बस पेट लागू कर दो और हमें फुर्सत रहेगी मेंस में ज़्यादा बच्चे नहीं बुलाएंगे दस पंद्रह हजार बुला देंगे और लखनऊ सेंटर रख देंगे कभी ताम जाम नहीं करना पड़ेगा ठीक है ये गलत बात है एक कॉमन कट कटाफ पचपन साठ बनानी चाहिए जनरल साठ हो गया पचपन रिजर्व के हो गए ये बनाते तो सबको मौका मिलता इसमें किसी को ऑब्जेक्शन ही नहीं होता क्योंकि ये रूल ऐसा रूल है कि आप पढ़ोगे आप कट ऑफ क्लियर कर ले जाकर मेंस का एग्जाम दे दो भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लेकिन हर भर्ती के लिए अलग अलग के लिए कट ऑफ ये कहें की इंसाफी है ठीक है लेकिन बातें सुनी नहीं जा रही हैं। चौबीसवा देखिए त्रिदोष ट्वेंटी फोर देखो भाई त्रिदोष कैसे लिखोगे आप सही? है ना त्रिदोष बिल्कुल बेतुक्का है इसका नियम बिल्कुल पल्ले से परे है समझ नहीं आ रहा है कि नियम है कि क्या है काला कानून रोलक्ट एक्ट था ना अंग्रेजों ने लाया था बिना अपील बिना वकील बिना दलील ये वैसे ही कानून है रोलट एक्ट वाला थोप दिया गया है कि लो पेट पेट होगा तो होगा चाहे आसमान फटे धरती ठीक है त्रिदोष यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा है ना त्रिदोष इज द राइट आंसर डी इज यहां पर क्या होगा डी इज द राइट आंसर बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव है इसमें से इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय है ना राष्ट्रीय है और अंतरराष्ट्रीय है अंतरराष्ट्रीय आप कैसे सही लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय ठीक है भाई अंतरराष्ट्रीय का शुद्ध रूप आपको बताना है अंतरराष्ट्रीय आप कैसे सही लिखेंगे ठीक है देखिए अंतरराष्ट्रीय 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 कौन सा सही होगा ये वाला सही होगा अंतरराष्ट्रीय है ना ऑप्शन क्या होगा ठीक है बिल्कुल हाँ भाई देखिए वही मैं कह रहा ना जो छात्रों के हित के लिए जो कानून बनता है छात्र हित और उसमें छात्रों का अहित हो रहा है तो ये कानून बनाने वाले बेतुके हैं सबसे बड़ी बेतुकी ये बात है कि जिसकी जरूरत आपको कहीं यूपी एग्जाम में पड़ती ही नहीं इंग्लिश ना यूपी पुलिस में पूछा जाता है ना लेखपाल ना वीडियो ना आपके लोअर पीसीएस में ठीक है आर ओ आर ओ में हम पे ग्रुप सी की ही बात कर लें इंग्लिश और पेट में इंग्लिश है जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है तो ये थोड़ा सा है हम ये नहीं कहते आप इंग्लिश का ज्ञान होना भी आवश्यक है लेकिन जिसकी उपयोगिता आपके आगे के एग्जाम में नहीं है आप इंग्लिश भी दे रहे हो तो सब में इंग्लिश कर दो भाई ताकि बच्चा इक्वल हो जाए हिंदी इंग्लिश वाला ठीक है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है भाई बताओ अशुद्ध बताइए अशुद्ध चलिए बताएंगे देखिए जानवी अनधिकार सही है पश्चात सही है भगवान सही है जानवी ठीक है ये होता है आधा ये मात्रा गलत है चलिए आगे देखते हैं एक दो प्रश्न और है फटाफट करते हैं लास्ट प्रश्न होगा देखिए इसमें आप कैसे सही लिखोगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है ब्राह्मण का शुद्ध रूप बताएंगे ब्राह्मण हाँ चलिए बिल्कुल ब्राह्मण का शुद्ध रूप बताइए वही तो हम लोग की डिमांड है भाई आप एक कट ऑफ रख दीजिए साठ रख दीजिए पैंसठ रख दीजिए कोई एक निश्चित तो रख दीजिए जिससे कि बच्चा अपना एक टारगेट बनाकर जाएगा भाई हम साठ नंबर पाएंगे पैंसठ नंबर पाएंगे तो हम नेक्स्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे यहाँ पर सत्तर नंबर पचहत्तर नंबर सौ में से लाकर इवन अस्सी नंबर लाकर बच्चा कन्फ्यूज है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये दुविधा वाली बात है ठीक है तो देखिए यहाँ पर ब्राह्मण का शुद्ध रूप आप ऐसे लिखते हैं एक चीज और ध्यान रखिएगा एक प्रश्न और पूछता है चिन्ह चिन्ह ये गलत लिखा गया है ये चिन्ह गलत लिखा गया है वहीं पर जो ये चिन्ह होता है आप ध्यान रखना चिन्ह ये वाला सही लिखा हो गया होता है ये सही होता है ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है तो फिलहाल देखिए वर्तनी शुद्धि से कल मैंने पचास प्रश्न कराए थे आज करीब सत्ताईस प्रश्न है है ना तो सेवेंटी सेवन प्रश्नों की श्रृंखला कल हम आपसे मुहावरों पर चर्चा करेंगे तो मुहावरे रहेंगे ठीक है हिंदी में जितने भी मुहावरे पूछे जाते हैं बार बार रिपीटेड मुहावरे जो जितने बनते हैं इंपॉर्टेंट है उन सब पर चर्चा कर लेंगे ठीक है है ना तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हमारी क्लास डेली शाम को छः बजे होती है आप सभी छात्रों के लिए अभी मैं आपको हिंदी पढ़ा रहा हूँ जी के जी एस का भी सेशन लेकर कर आऊँगा ठीक है तो थैंक यू वेरी मच और एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे आप अन के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जहाँ पर हमारी बिल्कुल फ्री क्लासेस चलती हैं और साथ ही साथ अगर आप कोर्सेस हैं बहुत ही कम फीस में यू पी की तैयारी करना चाहते हैं मात्र सात हज़ार रुपये में यू पी की कंप्लीट तैयारी जिसमें कि प्री मेंस साथ ही साथ आने वाली आरोग आर ओ की भर्ती यू पी डब्ल एस सी की अन्य भर्तियाँ उसी फीस में आप क्लासेस देख सकते हैं ठीक है तो ये थी आज की क्लास थैंक यू वेरी मच मिलते हैं आपसे फिर कल और कल हम मुहावरों को लेकर प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष ठीक है गद्दांश और पद्दांश से चलिए गद्दांश पद्दांश में देखिए कैसे उसमें आंसर निकालते हैं वो करा देंगे बहुत वो ज़्यादा टफ नहीं होता है वो उसकी एक दो क्लास हम करा देंगे आपको ठीक है क्योंकि आंसर तो आपके सामने ही रहता है बस उसके भावार्थ को समझ के उसको आंसर देना पड़ता है ठीक है चलिए तो थैंक यू टेक केयर मिलते हैं आपसे फिर कल अगले क्लास में थैंक यू